Hello student, your fine arts syllabus is divided into in three units. Here we are talking about the first unit Rajasthani and Pahadi school of miniature painting. In it first one is Rajasthani school, its origin and development is coming. Its sub-school Mewar, Modi, Jodhpur, Bikaner, Kishangan and Jaipur. And the main features of Rajasthani school and study and appreciation of following Rajasthani paintings. First one is Maru Ragni made by Sahibuddin and it is from Mewar school. सेकेंड वन इज राजा अनिरुद्ध सिंह हारा मेड बाय उत्कल राम एंड इट इज़ फ्रॉम बोधी स्कूल एंड चौकट प्लेयर्स मेड बाय दाना एंड फ्रॉम जोधपुर स्कूल एंड द कृष्णा ऑन स्विंग मेड बाय नरुद्दीन फ्रॉम पीकानेर स्कूल ओके एंड द अनदर इज इज राधा बनिठनी एंड मेड बाय निहालचंद फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल एंड भरत मित्र रामा रामा एंड चित्रगुट्त मेड बाय गुमान एंड जयपुर ओके दीज आर द देंडिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल नाउ अकॉर्डिंग टू सिबस वी कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी पेंटिंग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो क्वेश्चन इज राइट एंड एसे ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ओके फ्रॉम फिफ्टींथ सेंचुरी द रिवाइवल टाइम ऑफ हिंदू लिटरेचर पेंटिंग म्यूजिक आर्किटेक्चर फ्रॉम द सिक्सटींथ टू नाइनटीन सेंचुरी अ नंबर ऑफ हिंदू राजपूत किंगडम लाइक बीकानेर जोधपुर बूंदी कोटा एंड मेवाड़ टूक द इंडियन आर्ट इन राजस्थान ये जितने भी स्कूल्स थे इन्होंने इंडियन आर्ट को प्रोटअप किया कहा राजस्थान में मैनी वी आर डीपली इन्फ्लुंस बाय मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये मुग़ल आर्ट से मेनली इंस्पायर्ड थे और उनको उन्होंने इन जो एरियाज थे लाइक बीकानेर जोधपुर बूदी कोटा मेवाड़ इन्होंने मुगल आर्ट से इन्फ्लुएंस होकर अपने अपने रीजन में अपनी लोकल जो आर्ट थी उसको लेते हुए जो भी वाक्य हो वो इन्फ्लुएंस था मेनली मुगल आर्ट से और फिर उन्हें अलग अलग स्टाइल को उन्होंने डेवलप किया डीपली इन्फ्लुएंस बाय मुगल आर्ट ऑफ स्टाइल इट ऑल स्टार्ट विथ जैन मीनिएचर पेंटिंग्स ऑफ द कल्पसूत्रा इन मेवाड़ एरिया मेनली जो स्टार्ट हुआ वो जो जैन मिनीचर आर्ट है माइनोट रिटेलिंग जो वर्कर्स वो कल्पसूत्रा से इंस्पायर्ड हुआ और वो मेवाड़ एरिया में इंस्टायर्ड हुआ ठीक है ईच राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप इट्स डिस्टिंग एंड यूनिक स्टाइल वाई रिप्रेजेंटिंग द हिल्स कलर्स एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान क्योंकि आ, कोई भी आर्टिस्ट जब काम करता है तो अपने लोकेलिटी से इन्फ्लुएंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो जो एरिया था सपोज बीकानेर का जोधपुर का बूंदी का कोटा का मेवाड़ का अलग अलग एरिया के अपने वेजिटेशन होती है प्रस्पेक्टिव होता है एरिया होता है लैंडस्केप्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्टिंग है यूनिक स्टाइल सबका बदला वाइल्ड रिप्रेजेंटिंग द हिल्स हिल्स को उन्होंने अलग तरीके से किया कलर्स यूज ऑफ कलर्स आर डिफरेंट इन द प्लेसेस ऑफ राजस्थान ओके नाउ अबाउट थीम्स द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स आर फ्रॉम रामायण कृष्ण लीला चौर पंच का रागमाला सीरीज गीत गोविंद एड डोमिनेटेड आर्ट ऑफ राजस्थान ये जो uh, इन्होंने सीरीज़ uh, में जो उनकी थीम्स थी रामायण थी कृष्ण लीला थी रागमाला से लिए थे गीत गोविंद से इनका इन्फ्लुएंस जो है उनकी राजस्थान की जो पेंटिंग्स uh, है उसमें दिखता है प्रॉपर तरीके से द कलर्स यूज वेयर एक्सट्रेटेड फ्राम नेचुरल एलिमेंट्स लाइक मिनरल्स वेजिटेबल्स प्रीसे स्टोन कौन सेल्स प्योर गोल्ड एंड सिल्वर जो भी uh, इन्होंने कलर्स पेंटिंग्स में यूज किए थे वो नेचुरल कलर थे उन्होंने मिनरल से वेजिटेबल्स से प्रीसे uh, स्टोन से कौन से सेल्स से प्योर गोल्ड एंड सिल्वर प्योर गोल्ड और सिल्वर इन्होंने रियल अपनी पेंटिंग्स में यूज़ किया है और इन जियोग्राफिकल बेसिस राजस्थानी स्कूल इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू मैनी सब स्कूल जो डिवाइड हुआ राजस्थानी स्कूल मैनी अलग अलग सब स्कूल में डिवाइड हुआ लाइक फर्स्ट like, मेवाड़ बूंदी जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ एंड जयपुर तो ये इसके राजस्थान पेंटिंग्स हैं इनके राजस्थानी स्कूल के ये सारे सब स्कूल हैं मेवाड़ बूंदी जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ एंड जयपुर नाउ वी कम टू न अनदर क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मीनेचर पेंटिंग जो उसके मेन फीचर्स थे पेंटिंग से उनको डिस्क्राइब करना है हमने पॉइंट पॉइंट वाइज को डिवाइड किया द आर्ट इज़ करेक्टराइज बाय प्रेमेटिव एंड विबग्योर बोल्ड आउट लाइन्स एंड ब्रिल्डिंग कलर्स विपग्योर जितने सेवन कलर्स जितने थे उनको प्रेमेटिवली उन्होंने यूज़ किया और बोल्ड लाइन्स उन्होंने यूज़ किए ओके द ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल टाइप लोकल सीनरी टेक्निकल डिटेल्स आर डिफरेंट इन सब स्कूल जितने भी सब स्कूल थे उनका जो फेशियल टाइप था आ, फेस बनाने का लोकल सीनरी क्योंकि मैंने बोला कि जो अपनी लोकेलिटी में जो डिफरेंट एरिया में रहता है तो उसकी जो सराउंडिंग और वेजिटेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इन्फ्लुएंस होकर आर्टिस्ट काम करता है तो वो सब में डिफरेंट था जितने भी सब स्कूल से डिटेल आर डिफरेंट इन सब स्कूल डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर था जिससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग की वो सब में अलग अलग था डिवाइडेड था ठीक है रिलीजियस पेंटिंग्स मेनली बनी थी तो और जो उनके थीम्स ही वो ली गई थी रामायण से महाभारत से राधा कृष्ण एंड भगवत पुराण से ले गई थी ठीक है और इसमें जो लिटरली लिटरेली जो पेंटिंग्स बनी थी वो इंस, इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड हुई थी इंडियन अपिक्स जो इंडियन अपिक्स हैं हमारे उनसे इंस्पायर्ड हुई थी डिशन देवस्न, डिवोसनल पोएट्री जो सेंट जो उन्होंने लिखी हुई थी उससे रिलेटेड जो आ, 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 आगे सीरीज रागमाला और जितनी भी आई उनसे रिलेटेड पेंटिंग थी रोमांटिक पोएट्री उससे इन्फ्लुएंस थे इंडियन म्यूजिक से एंड थीम्स लाइक भक्ति सागर रीति काव्य गीत गोविंद एंड पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों से रिलेटेड like Dant. इन्फ्लुएंस भी इनकी पेंटिंग्स में दिखता है सिक्स वन इज लाइनर ब्यूटी बोर्ड लाइन ऑब्जर्व इन इनिशियल फेज लेटर द लाइन्स बिकम सॉफ्ट एंड थिन एंड रिदिमिंग पहले जब इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की थी तो बोर्ड लाइन्स वो अपने आर्टवर्क में वो यूज़ करते थे लेकिन जब टाइम बढ़ता गया आगे बढ़ता गया तो इनकी जो लाइन्स थी वो सॉफ्ट हो गई थिन हो गई और रिदिमिक हो गई एक फ्लो में वो अपना आर्टवर्क को शो करने लगे ठीक है सेवन्थ वन इज कलर स्कीम द इफेक्ट ऑफ ऑल इमोशंस लाइक रेड रेड फॉर एंगर येलो फॉर मार्बलेस ब्लू फॉर रॉयल And bright and glowing colors are used pure hue of red प्योर जो कलर ही होते थे वैल्यूज़ होती कलर्स की रेड को किसी के साथ मिक्स नहीं किया है बिल्कुल प्योर रेड लिया हुआ है तो अदरवाइज रेड हम जब यूज़ करते हैं वाइट के साथ तो पिंक बनता है तो प्योरली इन्होंने रेड को यूज़ करा हुआ है येलो कलर ब्लू ब्राउन वाइट विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कलर जैसे प्योरली इन्होंने रेड को यूज़ किया था वाइट को भी इन्होंने प्योर यूज़ किया है उसको मिक्स नहीं किया किसी के साथ गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू एड ग्लैमर प्योर गोल्ड एंड सिल्वर दे यूज टू एड ग्लैमर इन देयर पेंटिंग्स एट्थ वन इज टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल पेंटिंग आर देयर सिंपल लाइन्स फ्लैट कलर्स आर यूज विदाउट एनी ग्रेटिजन ओके ओबियसली अवर इंडियन आर्ट इज वो थ्री डी नहीं है थ्री डी भी नहीं है वो फ्लैट में ही है और उसको इंडियन आर्ट को थ्री uh, में प्रस्पेक्टिव में कभी नहीं जीते क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्ट है वो इन्फ्लुएंस है स्परिचुअल से और उसी से इन्फ्लुएंस होकर वो आगे बढ़ती गई है इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद यूरोपियन आर्ट यूरोपियन आर्ट में प्रस्पेक्टिव थ्री डी डायमेंशन उसे गया था इंडियन आर्ट क्योंकि इन्फ्लुएंस है अपनी स्परिचुअल कल्चर से तो वो थ्री डी नहीं है तो टू टू डायमेंशनल सिंपल लाइन्स एंड फ्लैट कलर्स आर यूज विदाउट एनी ग्रेडेशन ओके So here we are uh, talking about the, the origin and development of Rajasthani painting and the main features of Rajasthani painting.